सैयद बाबर कादरी, इस देश में दूसरा पीएम चाहिए क्या आप लोगों को? देखिए, अगर हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद नफरत पर मबनी है और इस राष्ट्रवाद का फिर एक और मतलब होना चाहिए, अगर देश आजाद हो गया आपके लिहाज से और आपकी नजर से, तो क्या अब मेरी नजर से आपकी नजर से देश आजाद नहीं है क्या? सुने, आप मेरी बात सुने, अगर आपको लगता है कि देश आजाद है तो क्या आप इस दौर में है कि आप और लोगों को गुलाम बनाएंगे? क्या भगत सिंह ने ये नहीं कहा था कि हमारा देश गोरों से गुलाम हो गया, अब काला अंग्रेज आ गया है? क्या आपके मोदी जी ने झूठ पर झूठ नहीं बोला? क्या आपका 15 लाख झूठ नहीं था? क्या आपका राष्ट्रवाद झूठ नहीं है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक झूठ है? आपका राष्ट्रवाद ठीक है? सैयद बाबर कादरी, आपका राष्ट्रवाद ठीक है? क्या हिंदुस्तान, आप अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं? क्या दूसरा नाम? सैयद बाबर कादरी, जवाब दीजिए, आप अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं? देखिए देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ जिसका हिंदुस्तानी मानते हैं कि आप अपने आप को, देखिए हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? मुतयन करना बाकी है। बाबर कादरी, जवाब दीजिए, हिंदुस्तानी आप मानते हैं कि नहीं अपने आप को? देखिए, जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा, हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? बाबर कादरी, हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? पाकिस्तानी है? हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? बाबर कादरी, पहले जवाब दीजिए, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। नेहरू जी से सुने, बाबर कादरी हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? जिन्होंने इस मुद्दे को, बाबर कादरी हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? पॉलिटिकल लिगेसी और बदनामी, पहले आप बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, हमें अपने अपने मुकद्दर का फैसला ही नहीं कर सकते? नहीं, बाबर कादरी, पहले बताइए, आपकी बात मैं सुनूंगा, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब। देखिए, जब तक हमारा पॉलिटिकल स्टेटस डिसाइड नहीं होता है, आपका क्या होता है? आपका क्या होता है बाबर कादरी? हमारा राइट है, नहीं आपका क्या होता है? तो देश के बाकी लोगों का राइट नहीं है क्या? देश के बाकी लोगों का राइट नहीं है क्या? मेरा राइट नहीं है क्या? राजीव गांधी का राइट नहीं है क्या? एसपी सिन्हा का राइट नहीं है क्या? राजीव त्यागी का राइट नहीं है क्या? सुनील चोपड़ा का राइट नहीं है क्या? सुनील चोपड़ा का राइट नहीं है क्या? बाकी लोग भाजपा के साथ? एक मिनट बाबर कादरी, आप शांत होइए, बाबर कादरी शांत होइए, एक मिनट प्लीज, बाबर कादरी शांत होइए, मैं बाकी सारे मेहमानों के पास जल्दी जल्दी आऊंगा। राजीव त्यागी, इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं है? एक मिनट प्लीज, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। राजीव त्यागी, इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं है? बिल्कुल, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं इस बात का विरोध करता हूं। बाबर कादरी से कहना चाहूंगा कि उनको हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लिए मैं। आपने गठबंधन किया जम्मू कश्मीर में उनसे? अब्दुल्ला बोलते हैं अलग पीएम चाहिए इस देश में। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं। देखिए बहुत, राकेश पांडे जी, हिंदुस्तान के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो मैं अपने खून का एक कतरा हिंदुस्तान में बहाने का काम करूंगा। राहुल गांधी कश्मीर इस देश का हिस्सा ना रहे, राहुल गांधी तो ये चाहते हैं, गठबंधन करके उन्होंने दर्शा दिया कि हम अलग से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, सोच के आपके हिसाब से नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए, आप अपनी जान के इस तरह का वक्तव्य ना दें, इससे कोई वोट नहीं मिलेंगे इस वाले वक्तव्य से आपको, जिस व्यक्ति से वोट नहीं मिलेंगे। कश्मीर को छीन नहीं सकता है। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, एक मिनट, एक मिनट, राजीव त्यागी जी जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद मैं एसपी सिन्हा से कमेंट लूंगा। ऐसे देश चलेगा क्या एसपी सिन्हा साहब? एकदम नहीं, एकदम नहीं। जिस तरह का मैं व्यवस्था और वातावरण देख रहा हूं इस देश में, मैं बहुत चिंतित हो रहा हूं। यदि फौज में ऐसा वातावरण फंक्शनल लेवल पे हो जाए तो फौज बैठ जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। मतलब हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में हम ट्रुप्स का नारे की बात तो एक और ना, यहां लोग हिंदुस्तानी मानने को नहीं तैयार है।